Oh, wow. 我會忽急，如果你冇喺依度，我做啲嘢，我講咗俾你，我唔會做，我話我改變，但係我知道我永遠唔會，我知道我。Assalamualaikum, मेरा नाम है ज़ैयम ज़फ़र एंड आज की वीडियो ऑब्वियसली दोबारा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ 5000 के अंदर ग्राफिक्स कार्ड जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है यार, वीडियो में जो ग्राफिक्स कार्ड आपको बताऊंगा इसमें चंद ग्राफिक्स कार्ड तो ऐसे हैं जो कि आपको 5000 के अंदर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ग्राफिक्स कार्ड ऐसे हैं जिनकी कीमत थोड़ी सी बढ़ सकती है। लाइक आपके पास एटलीस्ट 5 से लेकर 6000 के दरमियान बजट होना चाहिए, तभी जाके आप इसकी वीडियो को देख सकते हो और आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपने कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखकर और उसकी कंडीशन वगैरह देखकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल करो सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन करो प्रेस, इंस्टाग्राम पर करो भाई को फॉलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। Let's go. Let's go. Let's go. तो यार वीडियो की खास बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको कोई 3-4 ग्राफिक्स कार्ड नहीं बताने वाला बल्कि पूरे 8 ग्राफिक्स कार्ड बताऊंगा जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 5000 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिलेंगे। और जो ग्राफिक्स कार्ड आपको पूरे 5000 में मिल सकते हैं मैं उनके नाम भी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड की। जो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास है वो ऑब्वियसली हमारे पास AMD की तरफ से है, वो है HD 7570। इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1 GB का GDDR5 ग्राफिक्स कार्ड है और 128 बिट इसकी मेमोरी है। इस ग्राफिक्स कार्ड की खास बात यह है कि आपको इसको कनेक्ट करने के लिए कोई भी कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से आप इसको यूज भी कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप जैसे पीसी पर, क्योंकि इस जीपीयू का साइज भी थोड़ा छोटा होता है एंड आपको 4000 में ही मिल सकता है अगर आप थोड़ा सर्च करें, वरना 5000 इसकी एवरेज प्राइस है पूरे पाकिस्तान में। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास AMD का FirePro V4900 है और इस ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड 1 GB का है, GDDR5 है, 128 बिट है और इसके लिए आपको कोई कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने छोटे पीसी पर एंड काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। अंडर दिस बजट लोग इसको बाय करते हैं और रिसेंटली काफी लोगों ने बाय भी किया। अभी दराज की 12-12 सेल में भी ग्राफिक्स कार्ड मौजूद था जो कि 5000 में आई गेस बिक रहा था, वरना मार्केट आपको ये कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन 5000 इसके हम प्राइस अवॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास Quadro 2000 है। Quadro 2000 कौन नहीं जानता, जब भी मैंने 5000 वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड को जरूर इंक्लूड किया है। उसकी वजह ये है कि ग्राफिक कार्ड को कम कीमत पर देखने को मिलता है और स्पेसिफिकेशंस भी इसके काफी अच्छे हैं। इस बाइक की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 1 GB GDDR5 है, 128 बिट इसकी मेमोरी है और इसको कनेक्ट करने के लिए भी आपको 6-पिन कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है और ये काफी अच्छी बात है। इसके अलावा नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास AMD की तरफ से है HD 5770। इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 128 बिट इसकी मेमोरी है, GDDR5 के ग्राफिक्स कार्ड है ऑब्वियसली और इसको कनेक्ट करने के लिए आपको 6-पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। और ये ग्राफिक कार्ड भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपको 5000 की रेंज में देखने को मिलता है, वरना इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ भी सकती है लाइक 5000 से लेकर 6000 के दरमियान। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास HD 6670 है एंड ये ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, GDDR5 है और 128 बिट इसकी मेमोरी है और इस ग्राफिक्स कार्ड के लिए भी आपको 6-पिन कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बगैर किसी कनेक्टर के भी यूज कर सकते हैं। प्राइस इसकी यही 5 से लेकर 6000 के दरमियान वेरी करती है क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा सा परफॉर्मेंस में अच्छा है, इसकी स्पीड वगैरह थोड़ी ज्यादा है। और नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास है Nvidia की तरफ से GTX 460, GTS 460 760 MB वाला। मैंने इस वर्जन इस वीडियो में इंक्लूड किया है क्योंकि वही ग्राफिक कार्ड ऐसा है जो कि आपको 5 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 760 MB का है, पूरा 1 GB भी नहीं है, लेकिन आप इस ग्राफिक कार्ड को ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, GDDR5 का ग्राफिक कार्ड है और मेमोरी बिट इसकी 192 बिट है और ये काफी अच्छी है क्योंकि बाकी सबकी 128 देखने को मिल रही थी, यहाँ पे 192 देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से भी थोड़ा प्राइस में इंक्रीज हो सकता है। 5 से लेकर 6000 के दरमियान ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास HD 4870 है एंड भाई इसके ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। ये ग्राफिक आपको 1 GB में देखने को मिलता है, GDDR5 का ग्राफिक्स कार्ड है और 256 बिट इसकी मेमोरी है एंड काफी ज्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन यही मसला है कि ग्राफिक कार्ड वॉट भी ज्यादा लेता है और इस ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए आपको 2 6-पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा है। इसके अलावा इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 500 वॉट की पावर सप्लाई होनी चाहिए, इससे कम में आप रन कर लेंगे लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ग्राफिक कार्ड काफी हैवी है। और प्राइस की इसकी बात करें तो ग्राफिक कार्ड की प्राइस आपको तकरीबन 6000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली इसके स्पेक्स ज्यादा है, तो 5000 में मुश्किल हो सकता है, 6000 में आपको देखने को मिलेगा। OLED जैसी मार्केट्स पर क्या पता आपको 5 तक का भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास HD 6850 है एंड ये ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस भी ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड की तरह बिल्कुल सेम है। ये ग्राफिक कार्ड 1 GB का है, GDDR5 है, 256 बिट इसकी मेमोरी है। पावर कनेक्शन की तो ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 1 6-पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी और वॉट इसकी भी थोड़ी ज्यादा है, तो आप कोशिश करना कि इसको ज्यादा पावर सप्लाई नहीं लगाएं अगर आप बाय कर रहे हैं। और इसके अलावा OLX पे आपको क्या पता कम में देखने को मिल जाए, वरना मार्केट में इसकी प्राइस तकरीबन 6000 है, 5000 में आपको OLX जैसी मार्केट्स पर क्या पता देखने को मिल जाए अगर आप थोड़ा सर्च करें, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस 5 से लेकर 6000 है। अब यहाँ पे आप सोचोगे मैंने GTS 460 ग्राफिक्स कार्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो भाई उस ग्राफिक कार्ड के रेट अभी थोड़े हाई हो चुके हैं, वो ग्राफिक कार्ड आपको तकरीबन थोड़ा महंगा देखने को मिल सकता है 6000 तक और इसकी एबिलिटी का मसला भी ज्यादा है, वरना आप उस ग्राफिक कार्ड को भी चूज कर सकते हैं अगर आपको 5 से लेकर 6000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बाकी ग्राफिक्स कार्ड है वो ऑब्वियसली GTS 650 वगैरह है, 560, GTS 550 Ti और ग्राफिक कार्ड की प्राइस तकरीबन 7 से लेकर 8000 के दरमियान है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और यहाँ पर यार एक कोशिश ये करना कि 5000 में आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर लो यार, कोई मसला नहीं है, बस एटलीस्ट 1 GB GDDR5 हो। अगर आपको आदमी को बेवकूफ बना रहा है GDDR3 का ग्राफिक कार्ड दे रहा है, बेशक 2 GB ही क्यों ना हो यार, लेकिन मत बाय करना। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 1 GB की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू 2 GB। 2 GB की परफॉर्मेंस कुछ जगह पर ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस पर हमें 1 GB GDDR5 ग्राफिक्स कार्ड सही देखने को मिलता है क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशन भी ज्यादा होते हैं और वो बड़े सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करता है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई इशू ना हो सॉफ्टवेयर को रन करने में। तो आप 1 GB GDDR5 की तरफ जाना। तमाम ग्राफिक्स कार्ड के मैंने नाम ले लिए, इनमें से आप जो भी बाय करना चाहें वो बाय कर सकते हैं। बस ये कोशिश करनी है कि आपने 2 GB में भी चाहे आपको मिल रहा हो DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड बाय नहीं करना। DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड आप 3000 की रेंज में बाय कर सकते हैं, वरना कोशिश तो ये करो कि 4000 या 5000 बजट करके एक 1 GB GDDR5 वाला ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लो। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी। इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर भाई को फॉलो करो। इसके अलावा चैनल में न्यू हो तो करो सब्सक्राइब और साथ ही मैंने बेल आइकन करो प्रेस। बाकी वीडियोस भी चैनल के चेकआउट करो, काफी मजेदार बनाता हूँ। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।